भाई साहब मजा आ गया। इतना रश ड्राइव करके यार बहुत मजा आया, बहुत दिनों बाद सच में। पानी के लिए कहा था, तो पानी के लिए रोक लो, पानी के लिए रोक लो। और ये हमने कर दिया केव में एंट्री। थोड़ा सा थ्रोटल लेते हैं, धीरे केव से बाहर आ गया। ओह शिट, लिटरली मैं बच गया यार।
शायद अगर रास्ता पसंद आया है और राइड पसंद आई है, ड्राइव करने का तरीका पसंद आया है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें यार, क्योंकि आपके सपोर्ट से ये चैनल आगे बढ़ पाएगा। सारा सारा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है उस हाईवे के लिए। अब निकल गए हैं यहाँ से, अब उतरते हैं देहरादून की तरफ और थोड़ा सा रफ राइड करने की ट्राई करते हैं, थोड़ा सा वार्म अप कर लें उसके बाद करते हैं थोड़ा सा रफ राइड। एक छोटी सी क्लिप ले लें। एक छोटी सी क्लिप ले ली हाँ। एक क्लिप ले लिया यार, एक क्लिप ले लिया।
आ गई। अभी टोक टोक का बज गया यार।
तो गाइस कैफे दिखाते हैं आपको, कैफ़े कैसा है ये देखने में। अगर इसकी लोकेशन तो अच्छी सी लगती है। यहाँ पे ये थोड़ा सा ये मैकेनिकल वगैरह दिख जाता है आपको, थोड़े से एंटिक चीज़ें दिख जाती हैं। ये यहाँ पे बैठने का एरिया है और नीचे है, नीचे आप अपनी बाइक लगा सकते हो यहाँ पे, और बाइक के बाद मतलब यहाँ पे आपको मिल जाएगा खाने पीने के लिए सब कुछ। लेकिन जो पहले बताया उसको खास कर तौर से ध्यान रखना। बैठने के लिए आप अच्छा है, टाइम स्पेंड अच्छा कर सकते हो। थोड़ी सी लोकेशन अगर दिखाई जाए तो जो बैकग्राउंड की इसकी लोकेशन है वो ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे आपको ग्रीनिश ग्रीनिश मिल जाता है एंड क्लाउड देखने को मिल जाएंगे आपको क्लाउड वाले मौसम में। थोड़े से हिल्स देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल लोकेशन ठीक है, लोकेशन अच्छी है। अगर आप आ रहे हो यहाँ पे कुछ पिक क्लिक्स करानी है या कुछ टाइम स्पेंड करना है तो इट इज़ गुड। बट अगर खाने की बात करते हैं यहाँ का जो फूड है, मैं कहूँगा ज़ीरो, मैं माइनस ज़ीरो दूँगा यार। तो खाने के बारे में ठीक नहीं है, कॉस्टली भी है और खाना इतना अच्छा भी नहीं है। बाकी ये है इसका राइट कैफ़े। लोकेशन तो ठीक है बट बस वो सेम थिंग के मतलब खाने वाने का मतलब ठीक नहीं है साहब। तो अभी चलते हैं, अब करते हैं रफ राइड और पहुंचते हैं घर की तरफ। तो स्टे ट्यून, बाय बाय। तो यार हम आए थे यहाँ पे देहरादून से थोड़ा ऊपर राइट पे। यह लोकेशन अच्छी है, मतलब अच्छा है क्या, फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सकते हो अच्छे अच्छे लोकेशन। ज़्यादा मतलब कहूँगा कि हाँ एवरेज है, लेकिन बस राइड के लिए अगर आप राइडर हो और यहाँ पे आ रहे हो तो ये अच्छी लोकेशन है। लेकिन यार अगर खाने की बात करी जाए तो खाना एक ज़ीरो, मतलब यहाँ पे चाय ऊपर गई तो दूध में पत्ती नहीं और चाय में चीनी नहीं। और उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो भाई पिज़्ज़ा से अच्छा तुम घर की सूखी रोटी खा लेना, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर तुम यहाँ पे आ रहे हो तो फोटो वगैरह क्लिक कराओ, नॉर्मल से चाय कॉफ़ी वगैरह ले सकते हो। लेकिन यार खाने के मामले में बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो। यहाँ पे खाने में कम से कम पैसा वेस्ट मत करना। तो अभी चलते हैं रिटर्न यहाँ से। हम सोचा था यहाँ पे मतलब लोकेशन तो अच्छी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे बैकग्राउंड में यहाँ पे जो हिल्स हैं वो दिख रहे हैं, उनके ऊपर क्लाउड आ रखे हैं। अब यहाँ से चलते हैं रिटर्न घर की तरफ और थोड़ा सा रफ राइड करते हैं, देखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस जो वीडियो है उसको लाइक करें और इसको शेयर ज़रूर करें यार। ये फर्स्ट वीडियो है और इसके बाद आप जो भी लोकेशन देखना चाहते हो, मसूरी, ऋषिकेश या फिर मसूरी की कोई सीक्रेट पैलेस या फिर हो गया आपका देहरादून में सीक्रेट प्लेस है ना रोवर के, जो कि मुझे लगता है एडवेंचर के तौर पे सबसे अच्छा है, तो मैं आपको वो भी विज़िट कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें। देखिए तो मिलते हैं अभी रफ राइड करते हुए। तो क्या बोलता हूँ, क्या बने रहे तो मिलते हैं अभी रफ राइड करते हैं, थोड़ी सी घर की तरफ चलते हैं। तो स्टे ट्यून, ओ बाय।
पर चलो चल रहे तो गाइस यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं मसूरी के पहाड़, और ये है यहाँ का देहरादून का जू। बस मसूरी आने का एक सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ, एक सबसे अच्छा जो टाइम होता है वो क्या होता है, जब क्लाउडी मौसम हो। जब क्लाउडी मौसम होता है ना, तो उसमें मसूरी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। जितना भी आप ऊपर जाएंगे उतना आपको है ना क्लाउड है ना नीचे नज़र आएंगे। शायद गोप्रो हो सकता है ये कैप्चर कर पा रहा हो नहीं कर पा रहा हूँ, बट क्लाउड है ना काफ़ी नीचे हैं। अभी जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे ना, तो वहाँ से क्लाउड है ना नीचे आ जाएंगे, और वो जो व्यू होता है ना वो अल्टीमेट व्यू होता है यार। मतलब मैं यही प्रेफर करूँगा कि अगर आप मसूरी का प्लान बना रहे हैं, तो ये वेदर चेक कर लें कि क्लाउडी मौसम है या नहीं है। क्लाउडी मौसम में जब भी आप आते हैं तो उसमें है ना एकदम से व्यू जो है ना एकदम से कमाल धमाल हो जाता है। थोड़ा सा रश ड्राइव कर रहे हैं अब यहाँ पे।
तो गाइस अभी हम आ गए हैं देहरादून हाईवे पे, और यहाँ पे हम इस पहले हम रुकेंगे एक जगह पे जहाँ पे आपको भी, अगर आप देहरादून की साइड आ रहे हो तो आपको भी रुकना चाहिए। उसका नाम है बिहारीगढ़, और बिहारीगढ़ की जो पकौड़ी और चाय है ना, वो मशहूर है लिटरली। अगर आप वहाँ की मतलब चाय लेते हो, मतलब पकौड़ी वगैरह खाते हो, मतलब अच्छा रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। तो अभी हम रुकेंगे बिहारीगढ़, और वहाँ पे थोड़ा सा चाय पकौड़ी देकर और फिर उसके बाद आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे। सीधे जा रहा चाय पकौड़ी लेते क्या करूं फोन। तो दोस्तों मोस्टली हम क्या करते हैं, हम इसी सेम स्टॉल पर रुकते हैं हर बार, थोड़ा सा चाय और पकौड़ी ज़्यादा सही है। हमारे साथ जो मेरा फ्रेंड जो था वो थोड़ा आगे निकल गया है, बट अभी से कॉल करेंगे वो रिटर्न आ जाएगा, और उसके बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा चाय वाय लेते हैं, पकौड़ी वकौड़ी खाते हैं। बाकी सच में यार यहाँ की जो मिक्स पकौड़ी जो होती है ना, वो लाजवाब होती है चाय के साथ। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, विजिट कर रहे हो, तो यहाँ पे स्टे करना बनता है यार। स्टॉप ही मारने की कोशिश करते हैं एक बार। अच्छा ठीक है ठीक है। देखो देखो कौन बोल रहा है, जो हर बार बाइक स्टार्ट करने से पहले है ना, जो हर कोई हर बार बाइक स्टार्ट करने से पहले है ना व्हीली मारता है ना, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मतलब बोल कौन रहा है जो पहले जो बाइक स्टार्ट करता है और व्हीली मारता है। हाँ दोस्तों वही है, अभी हम देहरादून की तरफ जा रहे हैं। देहरादून यहाँ से अगर आप देखते हैं तो शायद आपको दिख जाए, देहरादून यहाँ से है 75 किलोमीटर। तो अभी देहरादून रीच आउट करना है, और देहरादून के बाद फिर हम निकलेंगे मसूरी की तरफ, जो हमारी सीक्रेट लोकेशन है उसकी तरफ।
तो दोस्तों यार अभी हमारा हो गया पोपट, अभी यहाँ पे हमने थोड़ा रिफ्रेशमेंट लिया है यार, चाय वाय पी है। हमारा पोपट इस कुछ इस तरीके से हो गया कि हम बहुत अच्छे हैं और अभी फिलहाल तो बहुत बुरे हैं, लेकिन अभी हम अच्छा करने के लिए कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि यार ब्लॉग तो डालना है और कुछ अच्छी सी जगह कुछ दिखाना भी पड़ेगा, और अच्छी सी जगह अपने दोस्तों को नहीं दिखाएंगे तो यार भी मज़ा नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ से रिटर्न जा रहे हैं, हरिद्वार वाला जो हमारा प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि KTM वालों ने हमारा पोपट बना दिया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि नजीवे वहाँ से राइड निकल रही है और जाएंगे ऋषिकेश की तरफ। लेकिन अभी हमें इंस्टेंटली कॉल आया है कि उन्होंने जो राइड है वो कैंसिल कर दी है, बिकॉज ऑफ क्योंकि ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा फ्लूड आया है जिसकी वजह से रोड ब्लॉक है। अभी हम जाएंगे यहाँ से रिटर्न, और रिटर्न जाके हमने प्लान बनाया है देहरादून का, देहरादून से ऊपर जाके एक मसूरी से तकरीबन 20 किलोमीटर पहले एक लोकेशन है जो कि सीक्रेट लोकेशन है, और तुम वीडियो में बने रहना और तुम्हें वो लोकेशन देख के वाकई बहुत मज़ा आने वाला है, सीक्रेट लोकेशन है। और उस और जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे ना तो आपको सच में लगेगा कि वाकई कोई लोकेशन मिली है। तो अगर आप मसूरी का प्लान कर रहे हो, देहरादून का प्लान कर रहे हो, कहीं से भी हो ऑल ओवर इंडिया में से, तो उस लोकेशन पर आपको ज़रूर जाना है और आपको वाकई वो लोकेशन देख के बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए, अभी के लिए थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और बाइक को स्टार्ट करते हैं यहाँ से और फिर निकलते हैं अपनी लोकेशन की तरफ। तो यार हम कुछ और ही सोच रहे थे, बस इसका सेंसर जो है बाइक का वो सेंसर प्रॉब्लम कर रहा है। तो अभी उसने मेरी बाइक स्विच की है और मैं उसकी बाइक पे आ गया हूँ। ठीक है, सही है, देखिए
उसका साइड सेंसर जो है वो खराब हो रहा था, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम कर रही है, बार बार बंद हो रही थी। हम पहले सोच रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया इसके अंदर, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन इसका जो साइड स्टैंड है ना उसका शायद स्विच वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बार बार है ना इंजन बंद हो रहा है। तो अभी प्रॉब्लम का पता चल गया है, तो अब देखते हैं सही करते हैं इसे। ये हम बाद में चेक करेंगे, फिलहाल के लिए इसको ऐसे टेंशन भी काम कर लेते हैं। और ये मुजम्मिल भाई जो है वो इतनी मजबूत चीज से मार रहे थे कि वो बीच में टूट गई। मुजम्मिल भाई देखो उसमें कितनी मजबूत चीज लाए थे मारने के लिए। भाई वो रस्सी रस्सी काट लेते हैं पूरी, देखा गाड़ी चलाती पता लगा लिया। हाँ सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैकेनिक साहब, राइडिंग करने का शौक है तो मैकेनिक भी आती है थोड़ी बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, वो आनी भी चाहिए। मुजम्मिल भाई क्या लेके आ रहे हैं यार, दादा तुम भी कच्चे ही हो। इससे चलो कॉन्डम ले आते, वो ज्यादा मजबूत रहता। अरे मिले भाई, फिलहाल इसी से बनती है। अरे उधर से करो ना यार, एक तो मेरा हैंग हो जा बॉडी का वो ब्रो। क्यों भाई? 7 है यार, ग्रिप वाला गोप्रो है। बात कर रहे हो, मैंने सारा पानी भर दिया। मिली नहीं रहा तब, रात मिली ना। हाँ ऐसी एक गाड़ी और आ गई जमा के लिए, तो हाँ फिलहाल के लिए तो इंडिया का दूसरा नाम जुगाड़, तो जुगाड़ हमने कर लिया इसके अंदर। ओके दोस्तों, अब देखते हैं यार क्या होता है। बस ये अब ये बस प्रॉब्लम ना करे यार। हाँ ओके स्टार्ट, और तुम इसे दोबारा देखना। हाँ अब ये स्टार्ट करेगा और ये विली मारेगा। तो गाइज अभी यहाँ पे इसका कूलेंट बिल्कुल ख़त्म हो गया था बाइक का, यार ये हीट करके बंद हो गई थी। अब दोबारा यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ जो क्या है हरिद्वार, और फिर उसके बाद जाएंगे हम ऋषिकेश। हाँ बिल्कुल नेपाल, हाँ बिल्कुल नेपाल भी जाएंगे एक दिन यार। क्योंकि उजू पापा की एक आदत है, ये जब भी है ना फर्स्ट गियर में बाइक को स्टार्ट करते हैं ना तो ये व्हीली ज़रूर मारते हैं, और वही चीज़ ये फिर दोबारा करने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये डेफिनेटली ये जब भी स्टार्ट करेगा ना तो ये व्हीली ज़रूर मारेगा। देखो
वही है। गई गई फिर झटका दिया था उसने, फिर झटका दिया उसने, फिर झटका दिया था। फिर झटका यार, ये मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है भाई। अब ये फिर बंद हो गए। ये सारी राइड खराब करेगी यार, मुझे ऐसा लग रहा है। कैन फेलियर हो गए। यार ये पता नहीं क्या हुआ सारा, फिर चलते चलते अच्छी खासी चल रही थी, पता नहीं क्यों बंद हो गई। बंद हो गया अपना बैंक, तो बंद हो गई थी। स्टार्ट करिए जरा, स्टार्ट करिए थे भाई। हाँ ठीक है, पता नहीं बैंक तो बंद हो गई थी। अब हो गई स्टार्ट, अब हुई स्टार्ट, मतलब पहले बंद हो गई थी, अब मैंने खड़ी करी ना, अब स्टार्ट हो गई। अभी चलते तो बंद हो गई थी है। यार फैन तो चल नहीं रहा है इसका, नोटिस करियो जब टेम्परेचर तो अभी डाउन ही है, हाई नहीं हुआ। हाँ तो भी कैसे चेक कितना हो रहा तुम्हारा दिखाई, इसके डब्बा कहाँ है इनका, इससे कम है ना एक, तो फिर निशान लगा दी मुझे, जब इसका आ जाएगी ना फिर चल जाएगा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, अरे फिर झटका ले रही है, बंद बहुत।
तो गाइस अभी फ्यूल फिल कराया हमने और उसके बाद अब निकलने की तैयारी है। और यहाँ देख सकते हो तीनों रानियाँ हमारी खड़ी हैं, क्योंकि वो उज़ैर है। तो गाइज़ अभी हम यहाँ पर रुके थे फ्यूल फिल कराने के लिए। तो अभी यहाँ पे है ना फ्लैग को सेट कर रहे हैं और यहाँ से फिर निकलते हैं हरिद्वार के लिए। और हरिद्वार से हम है ना जो KTM की जो राइड आ रही है नजीबाबाद से, उसे हम ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये खड़ी है ड्यूक 250 N250 N250। यार अगर लिटरली यार इसकी टेपिंग और रैपिंग देखेंगे ना इसके आप, यार मुझे बाइक की रैपिंग बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको इस बाइक का लुक कैसा लगा। अगर आप मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, रैपिंग की बात करते हैं, तो इसकी जो रैपिंग है वो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो गाइस अभी फ्यूल फुल कराया है। हेलो, तो भी गैस, तो गाइस अभी फ्यूल फिल करा, तो गाइस अभी फ्यूल फिल कराने के लिए भी यहाँ पे रुके थे हम। अभी यहाँ से कुछ हमारे दोस्त थे जो थे वो यहाँ से अभी राइड के लिए निकले हैं मसूरी के लिए, बट हम जा रहे हैं हरिद्वार। वहाँ से जाएंगे हम ऋषिकेश, क्योंकि जो इस बार ही है ना हर साल सहारनपुर से, मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ, तो सहारनपुर से हर साल KTM की राइड जाती है। बस इस बार नहीं गई है क्योंकि इस बार जो KTM की जो राइड जा रही है वो जा रही है नजीबाबाद से, और नजीबाबाद से लेके जा रही है वो ऋषिकेश तक। तो हम उसे हरिद्वार में ज्वाइन करेंगे। काम करो चल भाई, तुम सुनो माइक वायर वाला, इसमें बहुत दिक्कत होगी भाई ना बाबा।
हेलो गाइस, सो हेलो गाइस, हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग ऑल। सो हेलो गाइस, एक नया दिन, एक नया सफर। होप यू आर ऑल। सो हेलो गाइस, एक नया दिन, एक नया सफर। तो आज हम लाइट जल्दी सो हेलो गाइस, एक नया दिन, एक नया सफर। आज हम जा रहे हैं 15 अगस्त की राइड के लिए, जो कि KTM की तरफ से है। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज ये राइड होगी हमारी नजीबाबाद से लेके ऋषिकेश तक, बट हम इसे सहारनपुर से ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब ये हमें मिलेंगे हरिद्वार में जाकर। तो हमें हरिद्वार तक के हमें हरिद्वार पहुंचना है, और हरिद्वार में जाके हम उनको ज्वाइन करेंगे।
ऊपर उठा गया वो झाल में जो भी वो